हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फोर्थ चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास द एनिमी रिटन बाय पल एस बक। सी इज एन अमेरिकन राइटर एंड सी आल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। इन दिस चैप्टर द एनिमी एज यू लुकिंग ऑन द बोर्ड आर टाइटल द एनिमी। इन दिस चैप्टर सी डिस्क्राइब्स अबाउट अ डॉक्टर, ए जैपनीज डॉक्टर सदायो हॉकी। डॉक्टर सदायो हॉकी। दिस चैप्टर इज अबाउट ए जैपनीज डॉक्टर, डॉक्टर सदायो हॉकी एंड एन अमेरिकन सोल्जर हु वॉज इंजर्ड एंड हुम डॉक्टर सदायो हॉकी ट्रीटेड। अमेरिकन सोल्जर, ही वॉज एन इंजर्ड सोल्जर whom Dr. Sadayo Hoki treated. The story was set on the days of Second World War, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की ये कहानी है। America and Japan were on fighting, वो लड़ रहे थे। And that very time this story has taken place, उस समय की जो ये कहानी है वो इस बारे में है। तो द हाउस ऑफ डॉक्टर सदायो हॉकी हु वॉज ए जैपनीज सर्जन एंड साइंटिस्ट वॉज ऑन सी बीच, सी बीच पर था। एंड हिज हाउस वॉज आउटलाइन बाय बेंट पाइन्स। वहाँ पे पाइन यानी कि चीड़ के पेड़ थे। ऑन ए लो स्क्वायर ऑफ स्टोन, हिज हाउस वॉज ऑन ए लो स्क्वायर ऑफ स्टोन, एक छोटे स्टोन के ऊपर जो गोल स्टोन था उसके ऊपर उसका घर था। ही वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन, वह एक एक्सपर्ट सर्जन था। And he was also famous as a scientist, और वो साइंटिस्ट के तौर पर भी प्रसिद्ध हो रहा था। Because he was discovering a medicine that cure the wounds completely, जो कि जो है जो घाव हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ कर सके, उसके बारे में भी वो मेडिसिन की खोज कर रहा था। एंड ही वॉज ट्रीटिंग द जर्नल, ही वॉज ट्रीटिंग द जर्नल, और वो जर्नल का ट्रीटमेंट कर रहा था। सो ही वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स, इसलिए उसको सेनाओं के साथ युद्ध में नहीं भेजा गया था। बिकॉज द जर्नल कुड नीड एन ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। डॉक्टर सदायो हॉकी वॉज मैरिड विद हाना, उसकी जो शादी है वो हाना से होती है। ही मैरिड विद हाना, उसकी जो शादी हाना से हुई। होम ही मेट, जिसको कि वो मिला था, होम ही हैड मेट इन अमेरिका, उसको अमेरिका में मिला था। एट द हाउस ऑफ ए प्रोफेसर वेयर ही लिव्ड, वहाँ पर जहाँ पे एक प्रोफेसर के घर पर वहाँ पे रहता था, वहाँ पे वो हाना से मिला। दे स्टार्टेड टू लव ईच अदर, उनके अंदर उनके एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है उनको। और बाद में व्हेन दे रिटर्न टू जापान, जब वो जापान लौट आते हैं, दे गोट मैरिड, वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वन डे दे वर स्टैंडिंग ऑन द वरेंडा ऑफ देयर हाउस, एक दिन वो खड़े थे दोनों पति पत्नी अपने घर के वरेंडा के पास।
तो एंड इट वॉज मिस्टी, तो धुंध वाला दिन था, इट वॉज मिस्टी डे, एंड दे सा टुवार्ड द सी बीच, और वो समुद्र की ओर देख रहे थे, एंड दे सा दैट ए मैन वॉज स्टम्बलिंग, वो लड़खड़ा रहा था टुवार्ड द साइड ऑफ सी बीच, समुद्र की ओर. Perhaps they thought that the waves flung him down the sea beach, कि जो लहरों ने उसको उछाल दिया था समुद्र तट के ओर. First they thought that it would be a fisherman, कि शायद ये एक fisherman होगा. लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, they saw that he was an American soldier, कि वो एक अमेरिकन सोल्जर था. ही वॉज वाउंडेड बिकॉज देयर वर स्पाइक्ड स्टोन, स्पाइक्ड स्टोन ऑन द सी बीच, वहाँ पे नुकीले पत्थर थे, तो ही गेट वाउंडेड, वो घायल हो जाता है वहाँ पर. एंड व्हेन दे सा दैट अमेरिकन सोल्जर, ही वुड फेल डाउन ऑन हिज माउथ, अपने मुंह के बल गिरा हुआ था, तो उन्होंने पाया देर वॉज ए डीप वाउंड ऑन हिज बैक, उसकी बैक में डीप वाउंड था, ऑन हिज बैक, पीठ के पीछे एक बहुत ही बड़ा घाव था, एंड इट वॉज ए वाउंड ऑफ बुलेट, शायद उसके पीछे पीठ में गोली लगी हुई थी. एंड ही दे द कैप विच ही वॉज वीरिंग, On that cap, it was written U.S. Navy. U.S. Navy उसकी टोपी के ऊपर लिखा हुआ था. तो जैसे ही डॉक्टर सदायो ने उसको देखा, तो उसने पाया that he was bleeding and he had been shot dead for a long time. उसको शायद जो बुलेट लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, and he had not tended, उसको टेंड नहीं किया गया था, उसकी केयर नहीं की गई थी, सो ही वॉज ब्लीडिंग, तो रक्त बह रहा था. टू ब्लॉक दैट ब्लीडिंग ही टुक सम सी मॉस, जो समुद्री जो मॉस है काई, वो उसको ले लेता है, एंड सी ही फील्ड दैट मॉस इनटू द वाउंड, और वो घाव में वो और भर देता है, एंड ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जो रक्त बह रहा था वो बंद हो जाता है. उसके बाद जो डॉक्टर सदायो होकी थॉट दैट व्हाट दे शुड डू विद द सोल्जर, किन को सोल्जर के साथ क्या करना चाहिए. इफ दे वुड टेक द सोल्जर टू देयर हाउस, दे वुड बी अरेस्टेड, यदि वो उसको ले जाएंगे अपने घर पर तो शायद वो अरेस्ट हो जाएं, क्योंकि ही वॉज एन American soldier and America and Japan were fighting on that time. And if they hand over the soldier to the police, he will definitely die. तो he would definitely die, कि शायद वो निश्चित रूप से मर जाएगा. तो उसका best option, then Hana replied, the best option to put him back into the sea, to put him back into the sea, कि उसको दोबारा से समुंदर में वापस डाल दिया जाए, ऐसा सजेस्ट हाना ने किया, उसकी पत्नी ने. लेकिन डॉक्टर सदायो होकी टोल्ड हाना दैट इफ ही वॉज अ गुड मैन, कि यदि वो ठीक व्यक्ति होता, इफ ही वॉज हेल्दी, यदि वो ठीक होता, स्वस्थ होता, देन ही वुड डेफिनेटली हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, तो उसको वो पुलिस के हवाले कर सकता था. लेकिन नाउ ही इज इल, बीमार है वो, एंड ही इज वाउंडेड, वो घायल है, सो एज ए डॉक्टर इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था, टू ट्रीट हिम, उसका इलाज करें. तो जो डॉक्टर सदायो होकी है और वो हाना है, दे डिसाइडेड टू टेक दैट सोल्जर टू देयर हाउस, वो उनके घर पे ले जाने के लिए वो डिसाइड कर लेते हैं, दोनों उसको ले जाते हैं, और वो सोचते हैं दैट दे विल टेल
देयर सर्वेंट्स की वो अपने उनको बता देंगे दैट दे वांटेड टू हैंड ओवर टू द पुलिस कि वो उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं आफ्टर रिकवरी आफ्टर हिज ट्रीटमेंट कि उसका इलाज होने के बाद वो उसको पुलिस के पास हैंड ओवर कर देंगे। तो वो उसको जाकर के बेडरूम में लेटा देते हैं उस सोल्जर को दोनों पति पत्नी और ऑन द मैट एंड इट वाज एन एक्सपेंसिव मैट एंड इट वाज क्लोटेड विद ब्लड वहाँ पर ब्लड के साथ वो उनके जो मैट है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर सदाए होकी है ही फेल्ट द पल्स फेल्ट द पल्स ऑफ द सोल्जर वो उसकी जो पल्स है उसको वो चेक करता है एंड ही डिसाइडेड टू ऑपरेट द सोल्जर वो उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लेता है एंड ही टोल्ड हाना वो हाना को कहता है इफ़ ही डिडंट ऑपरेट यदि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ ही वुड डेफिनेटली डाई वो मर जाएगा। हाना उसको मना भी करती है दैट ही शुड नॉट ऑपरेट दैट एनिमी सोल्जर बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर कि उसको उसका इलाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अमेरिका का सोल्जर था एंड ही हैज़ बीन एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑफ जैपनीज वो जो जेल से भागा हुआ युद्धबंदी था वो कैदी था इसलिए उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग ऑन ऑपरेटिंग वह उस पर जोर दे रहा था कि हाँ भाई इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। देन एज ही वॉज वेरी डर्टी क्योंकि उसकी जो वो बहुत गंदा हो रहा था ही टोल्ड हाना टू वॉश द बॉडी ऑफ द सोल्जर कि वो उसकी बॉडी को साफ कर दे उसकी बैक को साफ कर दे सो दैट ही कुड ऑपरेट द ऑपरेशन कि वो ऑपरेशन कर सके। हाना वॉज रिलुक्टेंट वो इच्छुक थी तो उसने ही कॉल्ड हिज मेड सर्वेंट यूमी को वो बुलाती है टू वॉश द वाउंड्स ऑफ द सोल्जर उसके घावों को साफ करने के लिए। यूमी केम देयर विद बॉइल वाटर हॉट वाटर बट शी आल्सो रिफ्यूज टू टच द वाइट मैन वो उस वाइट मैन को टच करने में मना कर देती है। और जो दूसरे घर के जो माली है द गार्डनर एंड द अदर सर्वेंट दे आल्सो थॉट दैट देयर मास्टर डॉक्टर सदाया होकी शुड नॉट ऑपरेट दैट अमेरिकन सोल्जर कि उसको उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज ही वॉज एन एनिमी सोल्जर क्योंकि एक शत्रु सैनिक था। तो उसके मना करने के बाद हाना हरसेल्फ वॉश्ड द अमेरिकन सोल्जर वो हर स्वयं वॉश करती है उसको उसके बॉडी को। आफ्टर दैट सदायो केम देयर विद हिज सर्जन बैग अपने सर्जन बैग के साथ वहाँ पर आता है डॉक्टर सदायो और वो कहता है हाना को टू यूज एनेस्थेटिक टू मेक द सोल्जर अनकॉन्शियस उसको बेहोश करने के लिए वो एनेस्थेटिक यूज करें। और जो हाना है when she Sadaya Hoki and Hana turned the soldier she found a deep wound on her back गहरा जो घाव है वो उसकी पीठ में पाती है and she felt sick उसको vomiting सी होने लग जाती है बेचैनी होने लग जाती है and she went outside वो बाहर चली जाती है। after some time she came again दोबारा से आती है and with a moist cotton गीली करके with anesthetic she held on the nose of that soldier उस soldier के नाक के पास वो लगा देती है and the soldier was became unconscious वो बेहोश हो जाता है। after that Dr. Sadaya Hoki first took out the bullet from his body उसके जो शरीर से वो बुलेट निकालता है
दैट वॉज स्टिल इन हिज बॉडी, जो कि अभी भी उसके शरीर में थी. एंड आफ्टर दैट ही गेव एन इंजेक्शन टू हिम, गेव एन इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन भी लगा देता है. नाउ ही वॉज ऑल राइट. नेक्स्ट डे आफ्टर सम टाइम ही द सोल्जर गेंड कॉन्शियसनेस एंड सदायो एंड डॉक्टर हाना टोल द सोल्जर दैट ही हैड बीन वॉश्ड अशोर ऑन द बीच टू देयर हाउस ऑन द साइड ऑफ देयर हाउस एंड दे ऑपरेटेड द सोल्जर. उन्होंने उसको बताया कि लहरों के द्वारा उसको समुद्र तट पर फेंक दिया गया था उनके घर की साइड में, और उन अब डॉक्टर सदायो होकी ने उसका ऑपरेशन कर दिया है. तो जो दूसरे सर्वेंट है, ऑन द थर्ड डे जब उसको ही फेल्ट रिकवरी, तीसरे दिन जो सोल्जर है उसको थोड़ा सा ही गेंड सम पावर इन हिज बॉडी, गेन सम पावर, कुछ उसको कुछ वहाँ पे शक्ति अपने शरीर के अंदर महसूस होती है. और डॉक्टर सदायो होकी से पूछता है वो दैट व्हाट विल यू डू विद मी, कि तुम मेरे साथ क्या करोगे. हैव यू इन्फॉर्म्ड, हैड यू इन्फॉर्म द पुलिस, क्या तुमने पुलिस को भी सूचित कर दिया है. तो डॉक्टर सदायो होकी टोल द सोल्जर दैट ही हैड नॉट डिसाइडेड येट व्हाट टू डू विद दैट सोल्जर, किस के साथ क्या किया जाए. डॉक्टर सदायो होकी ने इस बारे में नहीं कुछ भी सोचा था. तो सातवें दिन ऑन द सेवंथ डे ऑल द ऑन द सेवंथ डे सातवें दिन जो द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस दे लेफ्ट देयर हाउस उन्होंने उनका घर छोड़ दिया. एंड यूमी आल्सो टोल्ड हाना दैट इफ दे स्टेड द अमेरिकन सोल्जर टू देयर हाउस, यदि वो यहाँ पे रखेंगे उसको अमेरिकन सोल्जर को, देन शी कुडंट स्टे देयर, तो वो डेफिनेटली वो वहाँ पर नहीं रह सकती है. तो उसके बाद जो यूमी है वो भी चली जाती है. जो हाना है वो डॉक्टर सदायो होकी को कहती है टू डिसाइड अबाउट द सोल्जर, कि वो इस सोल्जर के बारे में डिसाइड कर ले कि व्हाट ही विल डू अबाउट दैट सोल्जर, उस सोल्जर के बारे में जो यहाँ पे डॉक्टर सदायो होकी है वो क्या करेंगे. तो जो सदायो होकी है वो उसके रूम में जाते हैं एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड स्टैंड नाउ ऑन हिज फीट, ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट नाउ, स्टैंड ऑन हिज फीट नाउ, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर सदायो होकी ने उसको कहा. After that, Hana, after some time, Hana saw a messenger in official uniform. एक official uniform में वो एक messenger को देखती है. She was terrified, वो डर जाती है. She was scared that कि what was the purpose of that messenger to come here? उसका क्या मतलब था यहाँ पे आने का. And the messenger gave message that the general had asked to Dr. Sadaya Hoki to come to the palace to for check-up of the journal, कि वो journal के check-up के लिए वहाँ पे आ जाए. And after that, Hana heaved a sigh of relief, उसको एक गहरी सांस लेती है वो, कि अब ठीक है. शायद पहले तो वो सोच रही थी कि शायद द सर्वेंट हैड इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस, कि शायद उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया होगा, और वो डर गई थी कहीं भी उसके बच्चों को और डॉक्टर सदायो होकी को कोई ख़तरा ना हो जाए उसको स्वयं भी. तो अगले दिन जो डॉक्टर सदायो होकी है, ही वेंट टू द पैलेस टू जर्नल हाउस, वो जर्नल के घर पर जाता है. एंड टोल्ड द जर्नल अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, उसके बारे में बता देता है, सारी सूचना दे देता है कि हाँ भाई उनके घर पर जो जर्नल वो अमेरिकन सोल्जर कैसे आया था. एंड ही वॉज इन माउंटेड पोजिशन एंड ही ऑपरेटेड दैट सोल्जर, उन्होंने उसका ऑपरेशन भी कर दिया था.
ही डिड नॉट एंग्री विद डॉक्टर सदायो कि वो उनके साथ गुस्सा नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड ही आल्सो प्रेज्ड फॉर हिज स्किल, उसकी प्रशंसा भी करता है उसकी स्किल के लिए, उसकी निपुणता के लिए. तो वो कहता है दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य हुआ कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो आपके घर पर ही आया, आपके घर के ठीक सामने. लेकिन इफ ही वुड नॉट डाई, कि यदि वो नहीं मरा, इट कुड बी डेंजर, तो हो सकता है ये खतरा टू डॉक्टर सदायो की, तो उसके लिए खतरा हो सकता है. बट लेकिन उसने उसको ये प्रोमिस किया दैट ही वुड नॉट लेट एनीथिंग टू डू अगेंस्ट हिम, कि वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होने देगा, बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग हिम, क्योंकि वो उसको ट्रीट कर रहा था, उसका इलाज कर रहा था. तो उसने कहा दैट ही विल सेंड हिज प्राइवेट assassins, private assassins, assassins, वो अपने जो प्राइवेट हथियारे हैं उनको भेज देगा. एंड दे वर एक्सपर्ट इन किलिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना किसी आवाज के वो किसी को भी मारने में एक्सपर्ट थे. एंड दे विल आल्सो टेक द डेड बॉडी एंड विल नॉट लेफ्ट एनी ट्रेस इन द हाउस ऑफ मिस्टर डॉक्टर सदायो, कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रेस जो निशान है वो भी नहीं मिलेगा. तो अगले दिन बाद में जो डॉक्टर सदायो की है वो लगातार 3 दिन तक वहाँ पे वेट करता है, कि जो फर्स्ट नाइट ही वेटेड, पहली रात इंतज़ार करता है, छोटी सी भी साउंड होती है तो एकदम से उठ जाता है. तो सुबह जा करके वो देखता है, वो सोचता है कि शायद वो उसकी हत्या कर दी गई होगी सोल्जर की, वो जो हत्यारे हैं वो उसकी डेड बॉडी को ले गए होंगे. लेकिन जैसे अगले दिन जाता है वो देखता है द सोल्जर वॉज देयर, वो सैनिक वहीं पर था. तो दूसरी रात भी इसी प्रकार से ऐसा ही घटित होता है, वो 3 रात ऐसे गुजर जाती हैं, द सोल्जर वो सेफ, वो सुरक्षित होता है. द assassins didn't came there, जो हत्यारे थे वो वहाँ पर नहीं आए. तो जो जनरल डॉक्टर सदायो की है, अब उसको यहाँ पे जो अमेरिकन सोल्जर है उसको कहता है नाउ ही कुड गो फ्रेम देयर, अब वो जो अमेरिकन सोल्जर है वो वहाँ से जा सकता है. और जो डॉक्टर सदायो की है वो अपनी बोट को सी बीच पर ले जाता है, और वहाँ पे उस बोट में वो फूड और जो दूसरी क्लोथिंग है, दूसरे कपड़े हैं, वो वहाँ पे रख देता है उसकी सहायता के लिए. एंड ही आल्सो गेव ए टॉर्च, पुट क्लोथिंग क्लोथ्स एंड पुट क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स दूसरी चीज़ें वहाँ पर वो रख देता है. एंड आल्सो गिव ए टॉर्च, और एक टॉर्च वो उसको देता है सोल्जर को, और वो कहता है दैट ही वुड स्टे देयर अनटिल ही सा कोरियन बोट नियर बाय, जब तक वो कोरियन बोट को वहाँ पे नहीं देखे तो वहाँ पर वो रह सकता है. इफ़ हिज फूड रन आउट, यदि उसका जो फूड है वो ख़त्म हो जाए, तो ही कुड मेक टू फ्लैश, तो वो 2 फ्लैश के साथ इशारा कर सकता है. ही कुड मेक जेस्चर विद 2 फ्लैशेज, तो वो दो उनके साथ इशारा कर सकता है, 2 बार लाइट जला करके टॉर्च की. सो दैट ही कुड बी प्रोवाइडेड फूड एंड अदर थिंग्स, ताकि उसको दूसरी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड कराई जा सकें. तो अगले दिन जो है डॉक्टर सदायो की वो जनरल के पास जाता है और उसको कहता है दैट ही हैज एस्केप्ड द सोल्जर, कि जो सैनिक था वो भाग चुका है. एंड ही वॉज इन अ वीक कंडीशन, एंड ही वॉज इल एंड इन वीक कंडीशन, वो वीक कंडीशन में था, कमज़ोर हालात में था, तो वो कुछ समझ में नहीं पाया. तो आफ्टर 5 or 6 days लेटर अगेन ही वेंट देयर, जो डॉक्टर सदायो की है वो उसको कहता है, उसके बारे में दोबारा बताता है,
अब जो डॉक्टर यहाँ पे जर्नल है वो महसूस करता है कि शायद उसने डॉक्टर को प्रॉमिस किया था दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसेसिन्स, अपने जो प्राइवेट हत्यारे भेजेगा वो, लेकिन ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वो अपना वायदा पूरा नहीं कर पाया। एंड ही वॉज ऑल्सो नाउ फेल्ट फियर, उसने भी डर महसूस किया कि अब तो उसने डॉक्टर सदाई होकी को कहा टू रिमेन दिस थिंग अ सेक्रेट, कि वो उसको एक गुप्त रखे इस बात को। तो डॉक्टर सदाई होकी बाद में घर पे जा कर के देखता है, वो महसूस करता है कि नाउ ही इज सेफ, अब वो सुरक्षित है। तो घर पर जा कर के जैसे ही वो देखता है रात के टाइम, देर वॉज नो प्रिक्स ऑफ लाइट, प्रिक्स ऑफ लाइट देयर एट नाइट, प्रिक्स ऑफ लाइट एट नाइट, तो रात्रि के समय किसी प्रकार की वहाँ पे उसको निशान नहीं दिखता लाइट का। एंड ही थॉट दैट द अमेरिकन सोल्जर हैज़ लेफ्ट फ्रॉम देयर सेफली, कि वो वहाँ से जा चुका है सुरक्षित। अब नाउ ही फेल्ट रिलैक्स्ड, अब उसको रिलैक्स महसूस होता है। दिस इज द होल समरी ऑफ आर लेसन द एनिमी। इस लेसन में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर सदाई होकी है वो जो नैरो प्रेजुडिस हैं, जो पूर्व धारणाएँ हैं, उनसे ऊपर उठ करके जो एनिमी वाली कि एक दो दो देश आपस में लड़ रहे हैं उनसे ऊपर उठ करके जो डॉक्टर सदाई होकी है वो सर्व्स द पर्पज ऑफ अ सर्जन, वो एक डॉक्टर का जो उत्तरदायित्व है वो निभाता है। एंड ट्रीट द सोल्जर नॉट एज एन एनिमी, अपने शत्रु के रूप में उस सोल्जर को नहीं लेता है, बट एज अ पेशेंट ही ट्रीटेड दैट अमेरिकन सोल्जर, उसके अपने एक रोगी के रूप में लेता है एंड ट्रीटेड दैट सोल्जर, उसका इलाज करता है। आशा है आप सभी को जो ये लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।